नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। दुल्हन के मुखड़े पर से घूंघटा हट गया है। किसान नेता राजनीति में कूद पड़े हैं। किसान आंदोलन का सच सामने आने लगा है। किसान आंदोलन के संयुक्त मोर्चे की 22 दलों ने मिलकर संयुक्त समाज मोर्चा के नाम से राजनीतिक दल गठित कर लिया है, जिसके नेता बलबीर सिंह राजेवाल है और उनका पंजाब में मुख्यमंत्री बनने का दावा सामने आ गया है। पीछे से यह भी पता चला है कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनका समझौता हो सकता है। अरविंद केजरीवाल कितने महत्वाकांक्षी हैं यह सभी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतना चाहते हैं और इसी के लिए वह किसान आंदोलन के समर्थन में थे। निश्चित रूप से किसान आंदोलन को लगातार बनाए रखने में अरविंद केजरीवाल का बहुत समर्थन रहा था। किसान आंदोलन के भी दो टुकड़े हो चुके हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो भी एक बड़े नेता, उन्होंने पहले ही अलग राजनीतिक दल बना दिया था। उन्होंने कहा था कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, हम सारे 117 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़ाएंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी उधर, अब यहाँ बलबीर सिंह राजेवाल ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाकर नई राजनीतिक पार्टी घोषित कर दी। बहुत ही रोचक लड़ाई वहाँ होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ अगर इनका समझौता हो सकता है तब जिस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो पार्टी होगी अकाली दल। इनके अलावा दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाने की योजना पर तुले हुए हैं। इतनी जबरदस्त खिचड़ी पक रही है पंजाब चुनाव में, गजब का माहौल है। रोज नई नई पार्टियां सामने आ रही हैं, लोग टूट रहे हैं, कहीं कांग्रेस टूट रही है, कहीं आप टूट रही है। भाजपा भी दावे कर रही है कि वह अमरिंदर सिंह के साथ यहां पे सरकार बनाएगी। आने वाले दिनों में पंजाब चुनाव का रुख क्या होगा कहना बहुत ही मुश्किल है। किसान नेता जब स्वयं सामने आ गए हैं तो क्या जो जन समर्थन उन्हें अब तक मिल रहा था वह चुनाव में भी वोटों में कन्वर्ट होगा, तब्दील होगा, यह कहना मुश्किल है। अगर ऐसा हो गया तो अरविंद केजरीवाल का सपना पंजाब में सरकार बनाने का पूरा हो सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके बिल्कुल खिलाफ है। उनका मानना है कि आप एक ऐसा दल है जो पंजाब में विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग गिरोह को बढ़ावा देने वाला है। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। अभी भी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने जब बेअदबी के खिलाफ सही ढंग से कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। बेअदबी बुरी बात है लेकिन बेअदबी के नाम पर हत्या जैसे कारनामे नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे पाकिस्तान पर्दे के पीछे से खेल रहा है और वो पंजाब को अस्थिर करना चाहता है, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को पुनः जिंदा करना चाहता है। आप जैसी पार्टियां अगर पंजाब में सरकार बनाती हैं तो खालिस्तान आंदोलन पुनः जिंदा हो सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले खेल खेला था, खालिस्तान को जिंदा किया था, खालिस्तान को बनाया था, उसी तरह पुनः खालिस्तान जिंदा होने की स्थिति में आ सकता है। इसीलिए अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दिया था। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केवल इसीलिए मिलने गए थे कि उन्होंने देखा कि पंजाब में देश तोड़क शक्तियां प्रभावी हो रही हैं, सिर उठा रही हैं। उन्होंने केंद्र को आगाह किया था, जबकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस मसले पर चुप्पी साधे रहा, जो अंततः टूट का कारण बना। आज पंजाब में जो भी सरकार है वह बहुत कमजोर है। यहाँ तक कि आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी चरणजीत सिंह चन्नी सरकार को कमजोर बता दिया। उन्होंने कहा कि इसीलिए तोड़फोड़ और बम विस्फोट जैसी घटनाएं पंजाब में घट रही हैं। उधर चन्नी ने अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा बता दिया। तो कुल मिलाकर बड़ा ही रोचक जबरदस्त माहौल है। नई नई पार्टियां आ गई हैं और मतदाता जाने कितने टुकड़ों में बटेगा यह कहना मुश्किल है।
आने वाला पंजाब का चुनाव बताएगा कि मतदाताओं ने आखिर किसे चुना है। धन्यवाद। जय हिंद।